खरगोन जिले में अतिक्रमण मुहिम लगातार चलाई जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को प्रशासनिक महकमा बिस्टान रोड स्थित राजश्री जिनी के पास नहर पर पहुंचा, जहां अतिक्रमणकारियों ने जमीन पर अपनी दुकानों का निर्माण किया हुआ है। इस दौरान अमले ने जगह चिन्हित करके मार्किंग करते हुए लोगों को 30 जनवरी तक का समय देकर अतिक्रमण हटाने की समझाइश दी है। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि अगर समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाकर वसूली की जाएगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जिनसे जगह लिए हरीश भाई जैन और एसडीओ साहब आए थे, जो नहर के संचालक हैं, वो आए थे। नक्ती करी गई है उन्होंने, निशान लगाया उनके मार्गदर्शन के अंदर। ये चल रहा है मामला उनका। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि हमारी जगह यहाँ तक के आ रही है, ये निशान लगा के बताया उन्होंने। 45 फीट जगह आ रही है, और जो हरीश भाई का कहने का मतलब ये पड़ रहा है कि यार हमारी जगह 33 फीट है नहर से, बस ये बात है। आपने किससे जमीन खरीदी? हमने हरीश जैन से जगह खरीदी। कब खरीदी? ये करीब होगी 17 या 18 की बात होगी। तो आपकी रजिस्ट्री कर दी क्या हरीश जैन ने? नहीं, वो हरीश जैन साहब का ये कहने का मतलब पड़ा कि सबको मैं प्लाट दे दूँ और एक साथ रजिस्ट्री कर दूँ। अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है? अभी तक के रजिस्ट्री नहीं हुई। 16 चिट्ठी हुआ है? 16 चिट्ठी हुई है। अभी अतिक्रमण बता रहा है गवर्नमेंट? ये अतिक्रमण बता रहा है। लोगों को दुकान में प्लाट बेचे? ये 5 लोगों को, 6 लोगों को बेची है इन्होंने। सब में प्रथम तो ये असलम भाई हैं जो आगे इनके हैं, उसके बाद ये इमरान भाई पेंटर हैं, फिर ये जो खाले में सद्दाम भाई का है, फिर हमारा एक आदमी पप्पू मोहसिन भाई, वो गए। मतलब 5-6 दुकान है और फिर मैं होता, और फिर उधर फिर अमजद भाई पहलवान है। क्या तोड़ने का बोल गए? हाँ, 30 तारीख का मैं बता के गए कि 30 तारीख को आप 30 तारीख से पहले पहले कर लो, 30 तारीख से पहले पहले हमको जगह का बता दो, नहीं तो फिर हम 30 तारीख को तोड़ेंगे। क्या नाम है आपका? नईमुद्दीन सुपर ऑटो डील बस स्टैंड सर को। अभी 2-3 दिन पूर्व अपने SDO इरीगेशन श्री गांगली जी द्वारा SDO राजस्व खरगोन को एक पत्र दिया था और उसमें कुछ विवरण दिया था कि उनकी जो देजरा देवड़ा की जो नहर है, उस नहर के किनारे उनके जो टो वाला एरिया है, टो वाले एरिए के 7.5 मीटर के अंतर्गत निर्माण कार्य हो रहा है। नियमानुसार जो नहर का जो टो एरिया है उससे 7.5 मीटर की दूरी के अंदर अंदर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, और वो अधिग्रहित की गई भूमि है अपने WRD द्वारा। इसलिए उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने नोटिस भी दिया था वहाँ पे कुछ टीन सेट और कुछ स्थायी निर्माण हो रहा था, उसको लेकर श्री गांधी जी ने उनको नोटिस भी दिया था। नोटिस देने के उपरांत भी कोई उनके द्वारा इस प्रकार का अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए उन्होंने राजस्व को पत्र दिया और अतिक्रमण हटाने में सहयोग की मांग की थी। उसको देखते हुए आज श्री गांगले मेरे न्यायालय में आए थे और वे गांगले जी के साथ में वो नहर के किनारे गया और वहाँ पर जो टीन सेड और अपने जो स्थायी निर्माण हो रहा था उसकी मैंने नक्ती कराई। नक्ती करवाने के बाद मैंने लाल पेंट से निशान लगाया और उनको हिदायत दी गई है कि 30 तारीख के पूर्व हटा दे, अन्यथा विधिवत जो गांधी जी ने कार्रवाई की है उसके पालन में उनको हटा दिया। सर, दूसरी तरफ भी एक किनारा है नहर का, वहाँ भी कुछ दीवार लंबी सी बनी हुई है, उसके संबंध में गांधी जी ने कोई आपत्ति ली नहीं, तो मुझे इस बारे में कोई संज्ञान में नहीं है। उसका कोई विवरण उन्होंने लिख के दिया नहीं है, तो उसका मेरे संज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं है। दुकान संचालक कह रहे थे हरीश जैन से हमने जमीन खरीदी है, 16 चिट्ठी किया है, इसकी रजिस्ट्री नामांतरण नहीं हुआ है अभी। हरीश जैन मौके पे आए थे जब हम वहाँ नक्ति कर रहे थे, तो उनका और अपने WRD के जो SDO है गांगले जी का, उनके उनमें चर्चा चल रही थी कि 66 फीट की आपकी वो है अपने नहर है, तो ये नहर का कितनी चौड़ाई है, कितना उसमें क्षेत्रफल एक्वायर किया गया है, ये नहर का मामला है, और उसके संबंध में लंबाई और चौड़ाई का मामला तो श्री गांगले जी और ये बता सकते हैं कि उसमें कितनी लंबाई चौड़ाई की उनकी नहर है। जैसा उन्होंने बताया कि 15 मीटर की हमारी जो लंबाई चौड़ाई है हमारे नहर की पूरा एरिया मिला के, तो 7.5 मीटर सेंटर से वो नापी गई है कि नहर के अपने वो एरिया से, तो उस हिसाब से 15 मीटर उनकी मौके की होना चाहिए, वो उनका बोलना है। अब वो हरीश जैन का बोलना है कि 66 फीट है, तो ये मुद्दा एक जांच का विषय है, वो वास्तविकता में क्या समय सीमा दी है सर? क्या है जी समय सीमा दी है हटाने की? मैंने तो 30 तारीख दी उनको कि आप नोटिस दे दिया है तो 30 तारीख के अंदर हटा ले या अपना जो भी आपने टीन सेट बनाया उसको खोल ले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।